उपस्थित हमारे माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी, पूर्व मंत्री और विधायक रायपुर ग्रामीण, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हमारे सम्मानित श्री राजेंद्र धीवर उपाध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, सम्मानित हीराबाई निषाद अध्यक्ष नगर पंचायत डोंगरगांव, सम्मानित श्री अनिल केवल जी अध्यक्ष नगर पंचायत मल्लार, और सम्मानीय श्रीमती अमृता निषाद सदस्य मछुआ कल्याण बोर्ड और छत्तीसगढ़ शासन, और सम्मानित श्री देव कुमार निषाद सदस्य मछुआ कल्याण बोर्ड शासन, और मंच में हमारे मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथिगण, और हमारे छत्तीसगढ़ निषाद समाज के सभी समस्त जिले के सभी सम्मानित अध्यक्ष, उसके समस्त कार्यकाल ने, और समस्त क्षेत्रीय स्तर से अध्यक्ष उसके सम्मानित कार्यकाल ने, और यहाँ पर उपस्थित हमारे इस समाज के माता भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज वाकई में छत्तीसगढ़ निषाद समाज के लिए एक विशेष दिन है, जो आज विशेष दिन को हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने एक सौगात की बौछार के रूप से आज भूमि पूजन को यहां पर संपन्न कराया। और सौगात एक ही नहीं है, इनकी सौगात 18 से शुरुआत हुआ। आज मुझे छत्तीसगढ़ मछुआ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और हमारे समाज को एक राजनीतिक भागीदारी दिया, और आज राजनीतिक भागीदारी में के साथ ही आज सरकार में प्रतिनिधि मिला। तो माननीय भूपेश बघेल जी, जो इस समाज की सौगात के रूप में यहां पर समाज को दिया है, उसके नाम से आप जोरों से एक हाथ पर ताली बजा दीजिए। और साथ ही माननीय बघेल साहब, ऐसा नहीं कि राजनीतिक शुरुआत करके वहीं पर रहे, नहीं, हमारे यहां पर हमारे प्रथम विधायक के रूप से सामने कुंवर सिंह निषाद जी आए, और आज हम शासन में कम से कम मेरे साथ कम से कम 8 से 10 प्रतिनिधि सरकार में बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये हम पूर्व में जो हम देखे, हम इस समाज के लिए, समस्याओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किए, बाकी हमारे संघर्ष की जो समस्या जो है पूर्व में धरा का धरा रहा, क्योंकि इसका एहसास माननीय बघेल साहब ने किया, और यह एहसास हमें भी हुआ कि समाज की जब तक हमारी राजनीतिक भागीदारी आज नहीं होगा, तब तक हमारी समाज के विकास के रास्ता तय नहीं होगा। क्योंकि देखा जाए कि जो समाज स्तर में अपने संगठन शक्ति को बढ़ा करके जो आगे बढ़े, आज उसकी कई सभी क्षेत्र में आगे है। आज हमारी समाज की शुरुआत पहले बार जो 1918 के बाद यानी राजनीतिक जो भागीदारी मिला है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। एक शुरुआत हमारी विधायक के रूप से किए हैं, और मैं चाहता हूं, और मेरा निवेदन भी है कि मैं उस समय तो मैं इस मछुआरा समाज के लिए 5 सीट के मांग किया था, बाकी ये अवश्य हुआ कि हमारी समाज की शुरुआत हुआ, तो आने वाले समय भी अब प्रत्याशी चयन के अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अब चालू हो गया है, तो माननीय मैं बघेल साहब को बोलूंगा कि भी हमारी जो सीट की बढ़ोतरी होना चाहिए। और पहले हम बहुत संघर्ष किए हमारी मांगों को लेकर, विशेष करके मछली नीति, जिसमें क्या खामियां था, कई त्रुटियां था, बाकी हम 15 साल भाजपा के सरकार में उसको खाली चिल्लाते रहे, संघर्ष करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, बाकी आज नीति आज माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में उनकी सरकार में आज संपन्न हुआ, और नीति वो आप लोगों के हित में आज बन के तैयार है। उसके साथ
महत्वपूर्ण विषय जो हमारी माता है बिलासा देवी केवट, जिसके बारे में हमारे समाज लोग उद्बोधन दे चुके हैं। आज बिलासापुर को जो बस आने वाली, जिसके एयरपोर्ट का नामकरण हुआ, जो आज माता का अंतर्राष्ट्रीय लेवल में नामकरण हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो मछली नीति बना उसमें कृषि का दर्जा दिया। अब इसमें अपने को देखना है, हम जिस नीति के लिए हमने 15 साल संघर्ष किया और वो कांग्रेस काल के, आज विशेष करके माननीय भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ, किसी के दर्जे के साथ हुआ, हम उसमें कितना लाभ ले सकते हैं, ये आप लोगों को सोचना है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, ये है कि जैसा अभी हमारी जो मुख्य मांगे, जैसा एक जनजाति के मुद्दे को लेके भी हम चले थे, तो मेरे को बार बार सभी का एक फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और विरोध के माध्यम से भी मेरे पास समाचार आता है कि भाई आपने तो यार वहां सरकार में जाने के बाद अब ये भी करा लेंगे, ये भी करा लेंगे। तो मेरा कहना है कि भाई सरकार में जाने के बाद सरकार के नियम के रीति रिवाज से चलता है, जो पूर्व काल काल में 15 साल में नहीं हुआ, कम से कम हमारे इस कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में और विशेष माननीय भूपेश बघेल के कार्यकाल में हो रहा है। तो जब मछली नीति संपन्न हो गया तो आरक्षण के विषय में भी सरकार को सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि उसको सिर्फ केंद्र सरकार को भेजना है, जो पूर्व में सरकार ने यानी जो भेजा था 858 को, जिसकी जो नीति के त्रुटि जाति जो भेजा था, तो यही हम निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि उसको संशोधित करके हमारे समाज के हित में आज के परिवेश में भेजे जाए। और इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं मुख्यमंत्री की जो आज ये सौगात दे रहे हैं, और जैसे मेरा क्या है मछुआ कल्याण बोर्ड में कैबिनेट का दर्जा दिया, बगैर चुनाव लड़े कैबिनेट का दर्जा दिया, वित्तीय अधिकार नहीं होने के बावजूद भी मैं कम से कम अनुशंसा करा के 3.5 करोड़ जहां जहां समाज ने मांग किया भवन निर्माण के लिए, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 5 लाख मैं समाज को दिया हूं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री के कारण है इतना अधिकार संपन्न मुझे पावर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले भी जो समय है हमारी सरकार और पार्टी हमारी समाज के विकास में साथ दे रहा है, उत्थान की दिशा में साथ दे रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में साथ दे रहा है। तो मैं चाहूंगा आने वाले भी सरकार एक संकल्प लेके जाएगी, जो सरकार पार्टी हमारे समाज के हित में काम कर रहा है उसको पुनः सरकार बना करके फिर लाना है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ पर अपनी स्थान विराम करता हूँ। बोलो भक्त भगवान निषाद राज की।